14 दिन और 1150 पुरुषों के डीएनए सैंपल के बाद पाकिस्तान की निर्भया का हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आरोपी शख्स पीड़ित लड़की का पड़ोसी था और अक्सर उसके घर आया जाया करता था। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी के डीएनए 100% मैच हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी इमरान ने पुलिस के सामने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आरोपी का डीएनए उन 7 लड़कियों के शरीर पर मिले नमूनों से भी मिल रहा है जिनके साथ पहले ज्यादती हुई। पुलिस का मानना है कि आरोपी सीरियल किलर हो सकता है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को 7 साल की मासूम बच्ची अपने घर से ट्यूशन जाते वक्त लापता हो गई थी। घटना के वक्त लड़की के माता पिता उमरा के लिए सऊदी अरब गए हुए थे और वह अपने रिश्तेदार के साथ रह रही थी। अपहरण के बाद बच्ची सीसीटीवी फुटेज में एक अजनबी के साथ जाती हुई दिखाई दी थी। इसके बाद 9 जनवरी को बच्ची का शव शाहबाज खान रोड के पास कचरे के एक ढेर से मिला था। पुलिस ने इस वारदात के बाद 1150 लोगों का डीएनए परीक्षण किया और आरोपी पकड़ा गया। इस घटना के बाद पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुए थे।